वेलकम बैक टू नीतू जी किचन। नीतू जी किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर के आई हूँ पनीर की ऐसी रेसिपी जिसमें ना दही है, ना मलाई है, ना मावा, ना क्रीम, फिर भी ये रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आपको देगी। यानी रेस्टोरेंट और ढाबे वाली सब्जी आप घर पे बना के खाएंगे और बहुत ही कम सामान में, बिल्कुल बेसिक से सामान में सब्जी बन के तैयार होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए झटपट बनाते हैं यहाँ पे सब्जी को। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, इसे गैस पे रख दिया, गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। यहाँ मैं 2 चम्मच की लगभग कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप प्रेफर करते हैं ले सकते हैं, देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 चम्मच के लगभग बटर डाल रही हूँ। गैस की फ्लेम को लो कर दें वरना बटर जलने लग जाएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे साबुत खड़े मसाले। तो साबुत मसाले हम यूज़ करते हैं जैसे 7 से 8 काली मिर्च है, 1 छोटी इलायची है, 2 बड़ी इलायची है, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 लौंग और 2 तेज पत्ते हैं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे हम यहाँ पर। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 2 स्लाइस किए हुए प्याज। प्याज मैंने स्लाइस कर लिए हैं, देख रहे हैं ना आप, इसको ऐसे ही स्लाइस करना है। ऐसे स्लाइस करके हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही साथ 2 इंच अदरक का टुकड़ा डाल रहे हैं हम। अदरक को पहले छील लें फिर इसे काट के स्लाइस करके डालें। साथ ही साथ 8 से 10 लहसुन की कलियां हैं, ये भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। आप इसको बिना लहसुन के भी सब्जी को बना सकते हैं यहाँ पर मैं लहसुन डाल के बना रही हूँ। साथ ही साथ 1 टेबल स्पून के लगभग काजू है, यानी आप क्वांटिटी से मानिए तो 10 से 15 काजू हैं। इसको हम ऐड करके सौते करेंगे, यानी 2 से 4 मिनट के लगभग, जब इनका प्याज का कलर चेंज हो जाएगा, पिंक आ जाएगा, तब तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे यहाँ पर कुकिंग करते हुए। साथ ही साथ मैं यहाँ पर 2 टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर को मैंने रफली चॉप कर लिया, यानी 20 से इसको 4 पीसेस में कर लिए थे, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और 2 से 4 मिनट के लिए इसको हम अच्छे से पका लेंगे, जब तक टमाटर हमारा कुक ना हो जाए। इसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जिसमें हमने साबुत खड़े मसाले डाले थे ना, इनको हम अलग निकाल देंगे। इनको हम बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं करेंगे, वरना हमारे जो ग्रेवी है इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। जैसे हमने तेज पत्ते को निकाल दिया है, साथ ही साथ दालचीनी भी निकाल देंगे, बड़ी इलायची भी निकाल देंगे, लौंग, काली मिर्च निकाल देंगे। सिर्फ आप इसमें चाहो तो छोटी इलायची को छोड़ सकते हो, क्योंकि छोटी इलायची का फ्लेवर ग्रेवी में बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने बाकी सारे साबुत मसाले निकाल दिए हैं, सिर्फ छोटी इलायची के साथ इस मसाले को यहाँ पर हम ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ सारे मसाले जो हमने रेडी किए थे, इनको हम मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर देंगे। तो फ्रेंड्स जब तक मसाले ठंडे हो रहे हैं, बाकी का प्रोसेस करते हैं। यहाँ मैंने 300 ग्राम के लगभग पनीर लिया है। पनीर को आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। आप इसको स्क्वायर कट कर सकते हैं, ट्राइंगल कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पनीर को मोटे मोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। जैसे मैंने 300 ग्राम पनीर लिया था, तो इसमें मैं 100 ग्राम पनीर अलग निकाल के रख रही हूँ, जिसका यूज मैं आगे इस रेसिपी में करूंगी। तो इसके लिए वीडियो लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मैंने यहाँ पर ये 100 ग्राम पनीर है, ये इसको अलग रख दिया है और बाकी पनीर को हम स्लाइसेस में कट कर लेंगे। आप जिस भी तरह के शेप में चाहे इसको कट कर सकते हैं। फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए जो हमारी कढ़ाई में बचा हुआ ऑयल था, उसी में मैं करूंगी सारी कुकिंग। हम ज्यादा ऑयल का यूज नहीं करेंगे इस सब्जी में और गैस की फ्लेम को यहाँ हाई कर देंगे, ताकि हमारा पनीर जो है ना बिल्कुल रबड़ जैसा ना हो जाए। मीन्स बिल्कुल ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल लो फ्लेम पे करें और ये पनीर का टेस्ट हमारा खराब हो जाए। तो इसलिए हाई फ्लेम पे करेंगे और कम ऑयल में कर रहे हैं, तो 2 से 3 बैचेस में इस पनीर को अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पनीर को डाल दिया है, गैस की फ्लेम को हम हाई कर देंगे और इसका कलर चेंज होने तक वेट करेंगे। देखिए कलर इसका धीरे धीरे चेंज होने लग गया है। मैं इसको ना डार्क ब्राउन कलर के बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर फ्राई करूंगी। जैसे पहले के टाइम पे लोग पनीर की सब्जी बनाते थे तो बिल्कुल क्रिस्पी पनीर डालते थे हलवाई लोग, वैसे ही मैं इस प्रोसेस को यहाँ पे कर रही हूँ। देखिए बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का हो गया है ये हमारा पनीर। अब हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ मैंने एक बोल में नमक और हल्दी वाला पानी रखा है, इसे अच्छे से मिक्स कर लें और जो हम पनीर निकालेंगे डायरेक्ट कढ़ाई से इस पानी में डाल देंगे। इस प्रोसेस से क्या होगा फ्रेंड्स, आपका पनीर बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा, रबड़ जैसा नहीं होगा और सॉफ्ट रहेगा। और नमक और हल्दी डालने से ना इसके अंदर एक फ्लेवर आ जाएगा, यानी पनीर अब अच्छे से ना नमक और हल्दी के पानी को सोख लेगा और सब्जी हमारी बहुत ही टेस्टी है। अब जो हमने मसाले यहाँ ठंडे होने को रखे थे, अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड्स, जो हमने पनीर अलग रखा हुआ था ना, वो हम इसमें डाल देंगे। ये डालने से ना जब आप ग्रेवी रेडी करेंगे तो बिल्कुल ही क्रीमी टेक्सचर आएगा। आपको मलाई, दही, क्रीम, मावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी और सब्जी बहुत ही रिच क्रीमी बन के तैयार होगी। और इसे डाल के हम ग्राइंड करेंगे। इसमें हम पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं,
ये देखिए फ्रेंड्स कितना स्मूथ सा पेस्ट बन के तैयार हुआ, बिल्कुल ही क्रीमी पेस्ट बन के तैयार हुआ है। तो जब भी आप दही या क्रीम या मावा कुछ भी ना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये प्याज ली है, आप देखिए प्याज को ना मैंने सिर्फ बीच से कट करके इसके जो बल्ब से अलग कर लिया, यानी प्याज को काटा नहीं है, सिर्फ इसके मोटे मोटे स्लाइसेस अलग निकाल लिए हैं। अब कढ़ाई में जो भी घी बचा हुआ है आप चाहो थोड़ा घी और ऐड कर सकते हो। इसमें आप एक चम्मच के लगभग जीरा डाल दें, जब जीरा अच्छे से क्रैकर होने लग जाए तो जो हमने ये प्याज रेडी की थी ये हम डाल देंगे, और इसको हम हल्का हल्का गुलाबी होने तक, यानी जब तक प्याज की जो मिठास है, जो प्याज का स्वीटनेस है वो ना अच्छे से आए तब तक इसे हमें सौते करना है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू लो रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है, नहीं प्याज हमारी जल जाएगी और ग्रेवी का टेस्ट हमारा खराब आ जाएगा। यहाँ मुझे थोड़ा ऑयल कम लग रहा था तो मैंने एक चम्मच के लगभग कुकिंग ऑयल इसमें डाल दिया है। अब देखिए आप देख रहे हैं ना प्याज का कलर हल्का हल्का चेंज हो गया, यानी हल्का हल्का गुलाबीपन सा आ गया है प्याज के अंदर। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, साथ ही साथ यहाँ पे ना ड्राई मसाले भी डाल देते हैं। तो आधा चम्मच के लगभग मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दे ड्राई मसाले डालते हुए, वरना मसाले जल जाएंगे। दो चम्मच के लगभग धनिया पाउडर डाल दें, धनिया पाउडर इसमें मेन है तो दो चम्मच भर के डालें, और एक चम्मच के लगभग देगी मिर्च डाल रही हूँ। इसमें मैं लाल मिर्च का यूज़ नहीं कर रही हूँ, हरी मिर्च का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहो तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। साथ ही साथ आधा चम्मच के लगभग किचन किंग मसाला डाल रही हूँ। इन सबको डालने के बाद इसको हम 2 मिनट तक लो फ्लेम पे बिल्कुल अच्छे से भून लेंगे, और साथ ही साथ इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। पानी ऐड कर देंगे तो जो हमारे ड्राई मसाले ना अच्छे से फूल जाएंगे, ये अपना फ्लेवर इन्हेंस करेंगे, फ्लेवर बढ़ा देंगे, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। पानी ऐड करने के बाद भी इसे हम 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे अच्छे से, जिससे हमारे मसाले ये फूल गए हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो हमने ग्रेवी रेडी की थी ना प्याज टमाटर और पनीर वाली, वो हम इसमें ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद भी गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे, क्योंकि हाई नहीं रखेंगे हम यहाँ पर। अब इसे हम अच्छे से 2 मिनट तक पका लेंगे, और जो मिक्सी का जार है जिसमें अभी और भी पेस्ट लगा रह जाता है कई बार, तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दें, क्योंकि हमारे मसाले पके हुए हैं तो कच्चापन नहीं आएगा पानी के साथ, तो आप उस पानी को भी इस ग्रेवी में ऐड कर सकते हैं, और ग्रेवी को हम अच्छे से पका लेंगे। जब ग्रेवी हमारी अच्छे से पकने लग जाएगी तो ग्रेवी की थिकनेस आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इसे रोटी के साथ खाएंगे या राइस के साथ, तो उसकी थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें। तो यहाँ पर मैंने सब्जी को थोड़ा थिक रखा है, मैंने थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी रखी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी जैसी ग्रेवी होती है ना वैसी रखी है, क्योंकि मैं इसको पराठे के साथ सर्व करूँगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा इसमें पानी ऐड नहीं किया है। अब इसमें मैं डालूंगी किशमिश, किशमिश मैं मीठी वाली यूज़ कर रही हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, चाहो तो आप इसे यहाँ पर स्किप कर सकते हो। किशमिश डालने से इसके अंदर एक मिठास आती है, सब्जी अच्छी टेस्टी लगती है। अब साथ ही साथ फ्रेंड्स जब ये किशमिश अच्छे से पकने लग जाएगी 2 से 3 मिनट के बाद, तब सबसे लास्ट में हम डालेंगे नमक। नमक मैं 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ, आप स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि नमक के हमने यूज़ अब तक नहीं किया है, तो मैं 1 बड़े चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है, और इसको अच्छे से यहाँ पर हम पका लेंगे। और जब अच्छे से ये पक जाएगा 2 मिनट तक, तब इसमें ऐड करेंगे पनीर, जो हमने पनीर रेडी कर रखा था वो पनीर हम डाल देंगे, और 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसे लिड से कवर कर देंगे, और लीड को जब आप हटाएंगे ना खुशबू से पूरी किचन आपकी महक जाएगी। बहुत ही टेस्टी लजीज सब्जी बनके तैयार हुई है पनीर की। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आप पनीर की सब्जी बनाते हैं तो उसमें क्या क्या यूज़ करते हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस सब्जी को आप रोटी राइस पराठा किसी के साथ भी सर्व करेंगे ना सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। थैंक यू सो मच।